हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 15 साल बाद जनवरी का महीना बिना बर्फबारी के गुजरने के आसार हैं। इस माह में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। 31 जनवरी तक शहर में बर्फबारी के आसार भी नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 1 फरवरी तक मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। 2021 से पहले वर्ष 2007 में जनवरी का महीना बिना बर्फबारी के रहा था। साल 2020 में राजधानी शिमला में जनवरी के दौरान 6 बार बर्फबारी हुई थी। शिमला शहर में बीते साल जनवरी में 69.4 सेंटीमीटर हिमपात रिकॉर्ड हुआ था। बीते 19 सालों में से सिर्फ 7 साल ही जनवरी में अच्छी बर्फबारी हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी में बर्फबारी 11 सालों के दौरान 10 सेंटीमीटर से ज्यादा शिमला में जनवरी के दौरान बर्फ नहीं गिरी है। शिमला में साल 2005 के नवंबर दिसंबर और साल 2006 के जनवरी फरवरी और मार्च महीने में बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं हुई। साल 2007 में जनवरी में बर्फबारी नहीं हुई। साल 2009-10 में सिर्फ नामात्र 1.8 सेंटीमीटर पूरे सीजन में दर्ज की गई थी। साल 1995 में नवंबर महीने के दौरान शिमला में बर्फ गिरी थी। उस समय 7.8 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। इसके बाद से अभी तक नवंबर में बर्फबारी नहीं हुई है। साल 1992 में भी नवंबर में 4 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी। साल 2019 के जनवरी महीने में 7.7 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई थी। जनवरी का आखिरी सप्ताह बीतने को है, बर्फबारी के आसार फिलहाल नहीं है। ऐसे में गर्मियों में जल संकट की चिंता अभी से लोगों को सताने लगी है।